श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चक्रवात चल रहा था। पहले वीडियो में अपने चक्रवात यानी शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और दूसरा जो वीडियो है उसमें उष्ण कटिबंध चक्रवात वाला पढ़ रहे थे। उसमें दो उष्ण कटिबंध चक्रवात के जो प्रकार हैं उसमें एक नंबर उष्ण कटिबंध विक्षोभ, दो नंबर उष्ण कटिबंधीय अवदाब और तीन नंबर है उष्ण कटिबंधीय तूफान। उष्ण कटिबंधीय तूफान न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं तथा समदाब रेखाओं से घिरा होते हैं और बाहर से हवाएं केंद्र की ओर 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गर्मियों में विकसित होते हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में गर्मियों में विकसित होते हैं और उष्णकटिबंधीय तूफान कैरेबियन सागर फिलीपींस सागर में भी उत्पन्न होते हैं और ये कभी कभी ये इतने प्रचंड और विनाशकारी होते हैं कि जैसे बांग्लादेश के निचले भाग या पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई भाग हैं और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भाग है वहाँ पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा और वहाँ पर जल प्लावन की स्थिति बन जाती है और ये चक्रवात है उष्ण तूफान। इनका जो समय है ये अप्रैल से नवंबर तक यानी नवंबर से अप्रैल तक ये चलते हैं। फिर आता है हरिकेन और टाइफून। हरिकेन या टाइफून ये कई घिरी समदाब रेखाओं के विस्तृत उष्ण कटिबंध चक्रवात को हरिकेन यूएसए और टाइफून चीन में कहा जाता है। हरिकेन प्रति घंटे 120 किलोमीटर की गति से चलते हैं। यद्यपि हरिकेन अत्यधिक विशालकाय और प्रचंड होते हैं परंतु इनका जलवायु संबंधी जो महत्व है वो नगण्य होता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, यदा कदा आते हैं। इतना ही नहीं, एन रेखाओं के मध्य केवल कुछ खास भागों में ही उत्पन्न होते हैं। हरिकेन की समदाब रेखाएं अधिक सुडोल और वर्ताकार होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब तेजी से बढ़ता है जिस कारण से दाब प्रवणता अधिक होती है। यानी वायुदाब जो अंतर वो अधिक बढ़ जाता है जिनके कारण हवाएं हैं वो तेज गति से चलने लगती हैं। इसी कारण से हरिकेन प्रचंड गति से आगे बढ़ते हैं। हरिकेन में वर्षा मूसलाधार होती है और सर्वत्र समान होती है जबकि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हरिकेन के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। इनका आकार 160 से लेकर 640 किलोमीटर तक हो सकता है। भूमध्य रेखा के पास इनका आकार छोटा यानी भूमध्य रेखा के पास इनका आकार छोटा होता है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आगे बढ़ते हैं तो इनका आकार है वो बढ़ता जाता है।
केंद्र का दाब 900 से लेकर, केंद्र का दाब 900 से लेकर 950 मिलीबार तक होता है, और केंद्र तथा परिधि की समदाब रेखाओं का जो अंतर है ये 10 से 50 मिलीबार तक इनका अंतर होता है, और जिनके कारण उसकी दाब प्रवणता अधिक बढ़ जाती है और हवाएं वो केंद्र की ओर तेजी से झपटती हैं। हरिकेन में 6 से 48 किलोमीटर का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर हवाएं शांत होती हैं, वर्षा तथा वर्षा नहीं होती है, इसे हरिकेन का चक्षु कहते हैं, इसे हरिकेन का चक्षु कहते हैं। सागर तल से हरिकेन की ऊंचाई 12,000 मीटर तक होती है, इनकी जो ऊंचाई है ये 12,000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। इनका जीवनकाल 1 सप्ताह तक होता है, हरिकेन है इनका जीवनकाल केवल 1 सप्ताह का होता है, 1 सप्ताह के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम, इनके आने से पहले वायु मंद पड़ जाती है, वायु मंद पड़ जाती है, यानी उष्ण के चक्रवात के जो आगमन होते हैं उससे पहले वायु मंद पड़ जाती है, तापमान बढ़ने लगता है, वायु दाब कम होने लगता है, आकाश में पक्षाप मेघ दिखने लगते हैं, सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती है। जैसे ही चक्रवात समीप आता है हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेता है, यानी जैसे ही चक्रवात नज़दीक आएगा तो हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेती हैं। आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं तथा मूसलाधार भीषण वर्षा प्रारंभ हो जाती है और आकाश पूरी तरह से मेघासादित हो जाता है, दृश्यता समाप्त हो जाती है और यह स्थिति कुछ घंटों तक रहती है, यानी यह जो स्थिति है वो कुछ घंटों तक ही रहती है। इसके बाद अचानक वायु गति मंद हो जाती है, आकाश मेघ रहित साफ हो जाता है एवं वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्षु का परिचायक होते हैं और यहाँ पर वायु दाब न्यूनतम होता है, यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठ भाग आ जाता है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, यह दशा लंबे समय तक रहती है और जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ते जाते हैं वायु दाब बढ़ता जाता है, वायु वेग मंद पड़ने लगती हैं, बादलों का आवरण हल्का हो जाने के कारण वर्षा क्षीण हो जाती है, यानी वर्षा में कमी होने लगती है और चक्रवात के आगे निकल जाने के कारण आकाश में बादल छंट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। इस प्रकार हमने ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये पढ़ा और ये के निम्न अक्षांशों में उत्पन्न होता है और मुख्य रूप से इनका जो क्षेत्र होता है ये 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं।
अब इसके बाद आता है प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। पहले डायग्राम बना लेते हैं प्रति चक्रवात का। यहाँ पर उच्च वायु दाब एक हजार तेईस, एक हजार बीस, एक हजार सत्रह, एक हजार चौदह और एक हजार ग्यारह मिलीबार। ये समदाब रेखाएं हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती, हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, नॉर्थ वेस्ट चतुर्थांश, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब इसमें केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। जैसा कि प्रति चक्रवात शब्द से ही विदित होता है कि चक्रवात विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाला वायु परिसंचरण तंत्र को चक्रवात कहते हैं, ये प्रति चक्रवात कहते हैं। और उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से या केंद्र वायु वाले केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलने लगती हैं। अपसारी वायु परिसंचरण के लिए एंटी क्लॉकवाइज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ गेफन ने, यह एफ गेफन ने सर्वप्रथम एंटी क्लॉक, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग 1861 ईस्वी में किया था। प्रति चक्रवात वर्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिनके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर जो वायुदाब है वो घटता जाता है, जिस कारण से हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, यानी ये हवाएं हैं ये केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, यानी ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में, उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलने लगती हैं और प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल, यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में
प्रतिकूल स्थिति में होती है। इनके साथ मौसम साफ और शुष्क होता है, इसी कारण से प्रति चक्रवात में मौसम रहित घटनाएं होती है। यानी प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलने के कारण हवाएं एक क्षेत्र में एकत्रित नहीं हो पाते, जिनके कारण प्रति चक्रवाती स्थिति में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बादलों का निर्माण नहीं होता है। बादलों का निर्माण नहीं होने के कारण इनके जो वर्षा है वो नहीं होती। प्रति चक्रवात की विशेषताएं, इनका आकार प्राय गोलाकार होता है। इनका आकार गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी वी आकार में भी मिलते हैं, कभी कभी वी आकार में भी ये मिलते हैं। केंद्र में वायुदाब अधिकतम और केंद्र और परिधि के वायुदाब का अंतर है वो 10 से लेकर 20 तक, यानी इसका वायुदाब का अंतर 10 से लेकर 20 मिलीबार तक अंतर आ जाता है, और कभी कभी ये अंतर है वो 35 मिलीबार तक भी आ जाता है। और दाब पूर्णता कम होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब में परिवर्तन सामान्य होता है, यानी ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता है। दूसरी इनकी जो विशेषताएं हैं, ये आकार में प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। इनका व्यास चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक होता है, 75% इनका व्यास अधिक होता है। तीसरी जो विशेषता है इनकी, प्रति चक्रवात भी चक्रवातों के पीछे चलते हैं। चक्रवातों के पीछे प्रति चक्रवात चलते हैं, परंतु इनके मार्ग एवं दिशा निश्चित नहीं होती। मार्ग व दिशा निश्चित नहीं होती है। प्रति चक्रवात प्रति घंटे 30 से 50 किलोमीटर, इनकी जो गति है 30 से 50 किलोमीटर के मध्य इनकी गति होती है, और परंतु कभी कभी ये कई दिन तक एक ही स्थान पर भी स्थिर हो जाते हैं। फिर चौथी विशेषता है इनकी, केंद्र के बाहर ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, जिस कारण से केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना कम होती है। फिर पांचवा इसका, प्रति चक्रवात में तापमान मौसम वायु राशियां स्वभाव तथा आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्म काल में उष्ण वायु राशि के बनने के कारण तापमान ऊंचा तथा जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा रहता है। छठी इसकी विशेषता है, प्रति चक्रवात में वाताघर नहीं बनते हैं, यानी प्रति चक्रवात में वाताघर नहीं बनते हैं, क्योंकि इनका जो विस्तार है उपोष्ण कटिबंध में होने के कारण वहाँ पर हवाओं के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, वाताघर का निर्माण नहीं होता। परंतु कभी कभी दो प्रति चक्रवात के सम्मिलन रेखा के सारे निम्न दाब के गर्त में वाताघर का निर्माण हो जाता है। इस तरह दो प्रति चक्रवात या प्रतिच्छेदन के सारे उत्पन्न वाताघर की दिशा उत्तर दक्षिण होती है, और उसे देशांतरीय वाताघर कहते हैं, यानी इनकी जो दिशा है वो उत्तर
दक्षिण होती है, इसलिए इसे देशांतरीय प्रतिचक्रवात भी कहा जाता है। इसके प्रतिचक्रवात में वायु प्रणाली, प्रतिचक्रवात में वायु प्रणाली, प्रतिचक्रवात में दाब प्रवणता के क्षीण होने के कारण वायु प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से वायु प्रणाली अपसारी होती है, जिसके अंतर्गत हवाएं केंद्र से परिधि की ओर होती हैं, यानी इसमें वायु प्रणाली अपसारी होती है जिसके कारण केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। प्रतिचक्रवात के अग्र भाग में हवा की दिशा पश्चिम होती है, अपेक्षाकृत उसकी गति कुछ अधिक होती है। प्रतिचक्रवात के पृष्ठ भाग में हवा की दिशा पूर्वी होती है, यानी आगे वाले भाग पश्चिम और बाद वाले भाग में वो पूर्वी। अब प्रतिचक्रवात के वायु प्रणाली अविकसित होती है, इसमें वायु प्रणाली उनका विकास नहीं होता है। प्रतिचक्रवात का आकार यानी लगभग ये वर्ताकार, गोलाकार या फनाकार प्रतिचक्रवात होते हैं। कभी कभी इनका आकार इतना विस्तृत होता है कि इनके 900 किलोमीटर तक, इनका जो विस्तार है वो 900 किलोमीटर तक होता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में प्रतिचक्रवात इतने विस्तृत होते हैं कि यूएसए पर विस्तृत हो जाते हैं, पूरा जो यूएसए है वहाँ हो जाता है। प्रतिचक्रवात का तापमान फिर आता है, प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति या तो ठंडी ध्रुवीय पवन के कारण होता है या गर्म उष्ण कटिबंधीय वायु से। स्पष्ट है कि शीतल प्रतिचक्रवात के साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य से अत्यधिक कम तापमान हो जाता है, परंतु इन शीतल प्रतिचक्रवातों आगमन ग्रीष्म काल में होता है, मौसम सुहाना हो जाता है। और गर्मियों में गर्म प्रतिचक्रवातों के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि गर्म लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है प्रतिचक्रवात में वर्षा और मौसम। वर्षा व मौसम, सामान्य रूप से प्रतिचक्रवात वर्षा रहित होता है, आकाश में मेघ रहित होता है। कई संतोषजनक कारण बताए जा सकते हैं कि प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं या केंद्र से हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर हवाएं उतरती हैं, और जिस कारण से सामान्य ताप पतन दर घट जाता है। और केंद्र से हवाएं का अपसरण के कारण वातागर का निर्माण नहीं हो पाता, परिणामस्वरूप गर्मादर और शीतल वायु राशि के न मिलने के कारण वर्षा की संभावना नहीं हो पाती है। परंतु यह सदा आवश्यक नहीं कि प्रतिचक्रवात में वर्षा नहीं होती है। कभी कभी प्रतिचक्रवात महासागरों के ऊपर से गुजरने के कारण उसमें नमी की मात्रा ग्रहण कर लेते हैं, जिनके कारण प्रतिचक्रवात में भी कुछ विशेष प्रचिम वर्षा हो जाती है। चक्रवात के समान प्रतिचक्रवात के आगमन की सूचना सूर्य और चंद्रमा के चतुर्दिक पर्वा मंडल नहीं बन पाते, यानी जब चक्रवात की जो आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल बन जाते हैं, लेकिन प्रतिचक्रवात में ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत प्रतिचक्रवात नजदीक आते हैं तो आकाश साफ हो जाता है और बादल छंटने लगते हैं, मौसम साफ होने लगता है, हवाएं मंद पड़ जाती हैं। जैसे यूएसए, कनाडा, उत्तरी यूरेशिया के मौसम में प्रतिचक्रवात से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी यूएसए, कनाडा, उत्तरी यूरेशिया ये मौसम प्रतिचक्रवात अधिक प्रभावित होते हैं। कनाडा के उत्तर में शीतकाल में हिममंडित भाग पर उत्पन्न होकर शीतल प्रतिचक्रवात जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो ध्रुवीय वातागर हवाएं के कारण प्रभावित क्षेत्र का तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, यानी इसका जो तापमान है वो हिमांक, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान क्या है,
कम हो जाता है तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। पवन उत्तर पश्चिम होती हैं, बर्फ़ की आंधियां चलने लगती है, इन क्षेत्रों में बर्फ़ की आंधियां चलती हैं जिन्हें शीतलहर कहते हैं। यह बर्फीली आंधियां चलती हैं जिन्हें शीतलहर कहते हैं। जब प्रभावित क्षेत्र पर प्रति चक्रवात का चक्षु होता है तो तापमान अत्यंत कम हो जाता है और वायु शांत होती है, मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात का पृष्ठ भाग के आने पर तापमान अचानक गिर जाता है और पवन का जो वेग है वो तेज हो जाता है। यानी जब तापमान गिरेगा तो तापमान गिरने के कारण वहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है और फिर उसमें वायुदाब में के अंतर होने के कारण जो हवाएँ वो तेज़ गति से चलने लगती हैं। इस पर ये प्रति चक्रवात के स्थिति होती हैं जिनमें ये जो अधिक प्रभावित क्षेत्र है ये यूएसए, कनाडा और उत्तरी यूरेशिया का रहता है और इन क्षेत्रों में जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे हो जाता है, यानी हिमांक से नीचे, हिमांक या 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उनसे कम हो जाता है, जिनके कारण वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और बर्फीली आंधियों को शीतलहर कहते हैं। अब प्रति चक्रवात का अपने ये बड़ा इसमें बीच का जो ये क्षेत्र है उच्च वायुदाब का, और जैसे जैसे हम बाहर केंद्र से बाहर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब है वो कम होता जाता है, क्योंकि केंद्र के अंदर वायुदाब अधिक और परिधि की ओर वायुदाब है वो कम होता जाता है, इसलिए जो हवाएं हैं वो कम वायुदाब से अधिक वायुदाब की ओर चलती हैं। और फिर इसमें हवाएं के ऊपर से नीचे की ओर हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं जिनके कारण के बादलों का निर्माण नहीं हो पाता और वर्षा नहीं हो पाती है, यानी चक्रवात के कारण वर्षा नहीं होगी। लेकिन पीछे मैंने पढ़ा कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जब ये गर्म हवा जब हवाएं चलती हैं तो गर्म सागरों के ऊपर से आती हैं, तो सागरों के ऊपर से आने के कारण उसमें नमी की मात्रा ग्रहण हो जाती है और उन कुछ क्षेत्रों में वर्षा उनसे हो जाती है। इसलिए हमने ये तीनों वीडियो में चक्रवात से संबंधित पढ़ा, चक्रवात के दो रूप, उष्ण कटिबंध चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो मुख्य रूप से चक्रवात और प्रति चक्रवात में दोनों में अंतर इतना ही है कि चक्रवात के अंदर केंद्र में वायुदाब कम होता है और प्रति चक्रवात होता है उसमें केंद्र में वायुदाब अधिक होता है। चक्रवात के अंतर्गत हवाएं हैं वो बाहर से केंद्र की ओर आती हैं और प्रति चक्रवात के अंदर जो हवाएं हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ आती हैं, दोनों में यही अंतर होता है। फिर ये जब हवाएं चलती हैं तो दिशाओं में उसमें परिवर्तन होता जाता है। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो हवा एंटी क्लॉक वाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज, और प्रति चक्रवात के अंतर्गत उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें हवाएं क्लॉक वाइज और दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज हवाएँ होती हैं। इन दोनों में अंतर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है। चक्रवात हैं ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात दोनों का, भी शीतोष्ण जो चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये तो 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य